Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So, आज की CET preparation में हमारा topic है politics और इसमें हम जो है देखने वाले हैं chapter 2 जो कि है इंतखाबी अमल यानी कि election procedure या process. बहुत ही interesting से chapter है और इसमें से आपको काफ़ी चीज़ें MCQs में जो है पूछी जा सकती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ईजी चैप्टर है. तो आप लोग सिर्फ रीड करके और कुछ चीज़ों को जो है अच्छे से पढ़ के जो है बिल्कुल इस चैप्टर को आसानी से कवर कर सकते हैं. तो हम जो है इसमें हाईलाइट करते जाएंगे और आई वुड सजेस्ट कि आप भी अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए ताकि आप साथ ही साथ जो है पॉइंट्स हाईलाइट करते जाएँ. भारत ने जमहूरियत की सिर ने जो पेशरफत की उसमें इंतखाबात यानी इलेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है. इलेक्शन जो है वो हर डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत अहमियत का जो है मकाम रखती है क्योंकि जमहूरियत में जो है अवाम को शामिल करना होता है और अवाम को शामिल करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि इलेक्शन कराए, अवाम को जो है मौका दिया जाए कि वो अपने हुक्मरान को चुन सके. अब यहाँ इस इंट्रोडक्टरी पैरा में जो है आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर एक पॉइंट है कि जिस भी नुमाइंदे का जो है हम जिस नुमाइंदे का इंतखाब करें वो फ़ाल, ईमानदार, काबिल एतबार, अवामी राय का एहतराम करने वाला हो. यहाँ जो है आपको ये अंडरलाइन स्टेटमेंट दिख रहा होगा. तो यहाँ पर जो है इस चीज़ में बताया गया है कि जो भी नुमाइंदा चुनते हैं उनकी खूबियाँ क्या होनी चाहिए, तो ये आपको जो है पूछा जा सकता है. तो जो भी नुमाइंदे का हम इंतखाब करें वो फ़ाल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, काबिल एतबार और अवामी राय का एहतराम करने वाला होना चाहिए. फिर नीचे वाले पैराग्राफ में आए तो वहाँ आपको जो है चीज़ मिलती है कि इलेक्शन कराने का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन जो है उनके अंडर में होता है. भारत का मरकजी इलेक्शन कमीशन यानी सेंट्रल और रियासती सतह पर रियासती इलेक्शन कमीशन है और ये जो है इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने के बाद से इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस करने तक सारा काम जो है इनकी निगरानी में होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में किया जाता है. उसके बाद यहाँ पर जो है आपको क्या आप जानते दिया है जो काफ़ी थियोरेटिकल है, आप सिर्फ रीड कर लें तो आपको जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगी. अब नेक्स्ट साइड पर आए तो आपको यहाँ एक हेडिंग जो है मिलती है वो है इलेक्शन कमीशन. यहाँ पर जो है चीज़ें काफ़ी ध्यान देने वाली है. जैसे कि भारत में इंतखाबी अमल का मरकज़ व महवर इलेक्शन कमीशन है, यानी कि भारत में जो भी इलेक्शन होते हैं वो पूरा जो है सेंट्रलाइज्ड है इलेक्शन कमीशन के अतराफ़, यानी जो कुछ भी इलेक्शन से रिलेटेड होगा वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए होगा. दस्तूर हिंद की दफ़ा 324 की रूह से खुद मुख्तार निज़ाम तश्कील दिया गया जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन का निज़ाम बनाया गया है वो दस्तूर के यानी कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा 324 के ज़रिए जो है बनाया गया है और इसमें जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. सदर जयपुरिया ही जो है इलेक्शन कमिश्नर को नामजद करते हैं. ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि इलेक्शन कमिश्नर को जो है कौन नामजद करता है, कौन सेलेक्ट करता है, हमारे प्रेसिडेंट. इलेक्शन कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आसानी से किसी सियासी सबब से ओहदे से बरतरफ नहीं किया जा सकता और इनके अखराजात के लिए अलाहदा माली इंतज़ाम किया जाता है, यानी बजट में इनका भी एक हिस्सा लिया जाता है. फिर जो है हमारा आता है यहाँ पर आपको एक जो है बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स में जो है हमारे आज़ाद भारत की यानी आज़ादी के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ था तो उसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे मिस्टर सू कुमार सेन. आपको जो है ये नाम याद रखना, इवन आपकी जो पेपर होते थे उसमें भी काफ़ी बार ये वाली खानापूरी आ चुकी है. इन्होंने जो है 1921 में बरतानवी दौर में इंडियन सिविल सर्विस में दाखिला लिया था. 1950 में इलेक्शन कमीशन कायम होने के बाद उन्हें इलेक्शन कमिश्नर के अहदे पर फायज किया गया. ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, 1950 में इलेक्शन कमीशन कायम हुआ था. इलेक्शन कमीशन जो है 1950 में कायम किया गया था और तब जो है ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे मिस्टर सू कुमार सेन. इवन आप उनकी जो है तस्वीर भी देख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे और अगर कभी तस्वीर देकर आपको जो है पहचानने के लिए कहा जाए तो आप जो है आइडेंटिफाई कर सकें. अब एक और चीज़ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो है अपने मुलाजमीन नहीं होते, यानी कि उनका कोई अपना स्टाफ नहीं होता है. जो भी इलेक्शन से रिलेटेड काम है वो अलग अलग टीचर्स और अलग अलग जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो जो है करते हैं. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़.
इलेक्शन कमीशन के फराइज में सबसे पहला जो काम आता है वो है वोटर लिस्ट तैयार करना। ये सवाल आपको किस तरीके से पूछ सकता है, आपको जो है पांचों फराइज दिए जाएंगे और फिर उसको आपको जो है नंबर वाइज अरेंज करने के लिए कहा जाएगा कि सबसे पहले क्या काम होता है, फिर क्या काम होता है, उसके बाद क्या। तो सबसे पहले जो है वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है। अब हम जानते हैं कि वोट देने का हक जो है भारत में 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले हर भारतीय शहरी को है। जिन्होंने भी जो है 18 साल कंप्लीट कर लिया है वो लोग अपना वोटर आईडी बनाने के लिए जा सकते हैं और फिर जो है वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद वो जो है वोटिंग कर सकते हैं। राय दहिंदा को शनाख्ती कार्ड देने का इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन को हासिल है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपका एक वोटर आईडी आता है और उसको दिखाकर जो है आप अपनी वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है क्या आप जानते का एक बॉक्स है जिसमें बताया गया है कि राय दहिंदगान के इंदिराज के लिए राय दहिंदगान बेदारी मुहिम चलाई गई थी, यानी कि ये वोटिंग में लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो इसके लिए जो है मुहिम चलाई गई थी और इस सिलसिले में कौमी यौम राय दहिंदगान दिन भी जो है मनाया जाता है, यानी वोटर डे भी मनाया जाता है। अब आप जो है गूगल से ढूंढ कर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वोटर डे कब मनाया जाता है। फिर आते हैं उसके नेक्स्ट पर्स पर, वो है इंतखाबात का निज़ामुल औकात और मुकम्मल प्रोग्राम तय करना, यानी कि टाइम टेबल जो है इलेक्शन का बनाना और उसे जो है पूरा इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही जो है सारी चीज़ें देखती है इलेक्शन से रिलेटेड, इसीलिए कब कहां पर कितने मरहलों में कौन सा इलेक्शन होगा और जो है उसमें किस तरीके के नुमाइंदे होंगे, उनका फॉर्म भरना, ये सारे काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन करती है और कोई तरह की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ना सेंट्रल ना स्टेट गवर्नमेंट। फिर थर्ड काम आता है उम्मीदवारों की अर्जी की जांच, यानी कि हमारा वोटर जो है लिस्ट बन गई, अब जो नुमाइंदे हैं जो लोग खड़े हो रहे इलेक्शन में उनकी जो है जांच करना, तो उनका जो अर्जी है उनका जो फॉर्म है उसकी जांच। तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टी अपने उम्मीदवार को इलेक्शन में खड़ा करती है और उसमें जो है काफ़ी लोग इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं, तो जिनको भी भरना होता है वो लोग जो है पेपर भरते हैं और फिर उसकी जो है इलेक्शन कमीशन जांच करता है। इसमें जो है कोई ऐसा एमसीक्यू रिलेटेड टॉपिक नहीं था। फोर्थ हमारा फर्ज आता है सियासी पार्टी को मंजूरी देना। जो भी आप जानते हैं कि इंडिया में जो है वो एक पार्टी निज़ाम नहीं, कसीर पार्टी निज़ाम है, यानी कि इसमें जो है अलग अलग बहुत सी पार्टियां जो है इलेक्शन में खड़ी होती है और फिर उसमें से कोई एक जीत कर आती है। तो जो भी पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन में जाकर अपने आप को अप्रूव कराती है और जो है अपना सियासी पार्टी का जो इंतखाबी निशान है, जो उनका सिंबल है, वो भी जो है वही फाइनल होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्शन से मुतालिक तनाज़ात हल करना, यानी कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर इलेक्शन में आती है तो वो इलेक्शन कमीशन हल करती। तो ये पांच फर्ज थे, आपको जो है इसे पैटर्न वाइज याद रखना है। अब यहाँ पर जो है कुछ बॉक्सेस दिए गए जो आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब आते हैं हल्का इंतखाब की तश्कील नौ, यानी कि उनको जो है फॉर्म करना। तो हल्का इंतखाब क्या होता है, जब हम जानते हैं लोकसभा के अरकान की कुल तादाद 543 है, तो 543 जो है हल्के भी बनाए जाते हैं, यानी कि एक हल्के इंतखाब की नुमाइंदगी एक शख्स करता है। तो उस तरीके से 543 अलग अलग हल्के बनाए जाते हैं और उन 543 पे 543 जो है नुमाइंदे जीत कर आते हैं। तो ये काम इलेक्शन कमीशन की हदबंदी कमेटी, ये जो है डेलिमिटेशन कमीशन करती है और ये कमेटी जो है किसी के दबाव में आए बगैर जो है हल्के तश्कील देती है, जिसे हम वार्ड वगैरह कहते हैं वही। अब यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में आते हैं, हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण नेगी जी जो है भारत के पहले राय दहिंदा, भारत के पहले वोटर्स जो थे वो थे श्याम शरण नेगी जो हिमाचल प्रदेश के थे। 25 अक्टूबर 1951 को होने वाले लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने अपना हक रायदही का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैं आपको बताई थी कि 1950 में इलेक्शन कमीशन कायम किया गया था, 1951-52 में जो है पहला इलेक्शन जो है भारत में किया गया था। तो ये जो है 25 अक्टूबर 1951 के दिन पहला वोट दिया गया था और वो जो वोट था वो श्याम शरण नेगी जी ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं, ये ब्लू वाला वेब तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इवन हम लोग जब जो है रिविज़न करते थे तब भी मैंने आपको कहा था ये ब्लू बॉक्स, जो ब्लू वाला ये खाका है, जो फ्लो चार्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो है एक्चुअली जो प्रोसेस है उसको नंबर वाइज दिया गया है। सबसे पहले हल्के इंतखाब की तश्कील होती है, फिर वोटर लिस्ट बनाया जाता है वार्ड वाइज, उसके बाद जो है नुमाइंदे की जाँच होती है, उसके बाद जो है इंतखाबी तशहीर यानी कि जो रैली वगैरह की जाती है वो
उसके बाद अमलन रायदही होती है, यानी कि इलेक्शन का जो एक्चुअली वोटिंग है वो की जाती है, फिर वोटों की गिनती होती है, इलेक्शन के अनाउंसमेंट्स होते हैं रिजल्ट के, और लास्ट में अगर कोई मसला है तो उसको जो है हल किया जाता है। तो ये जो है एक्चुअली प्रोसेस है पूरा, जो आपको याद रखना है, हो सकता है आपको नंबरिंग करने के लिए पूछा जाए। फिर आते हैं हम हमारे ज़ाब्ता अख़लाक़ में। ज़ाब्ता अख़लाक़ काफ़ी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत कम चीज़ आपको एमसीक्यू तौर पर मिलेगी। ज़ाब्ता अख़लाक़ एक तरह का रूल बुक हम कह सकते हैं इलेक्शन में होता है, जो कि बताता है कि अवाम को, जो उस वक्त की हुकूमत है उसको, सियासी पार्टियों को और जो वोटर वोटिंग के लिए खड़े हैं यानी जो नुमाइंदे हैं, उनको किन उसूलों पर अमल करना है। वो जो है कोई भी तरह की अगर गलत चीज़ करते हैं, कोई भी रूल जो है वॉयलेट करते हैं, तो फिर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये जो है ज़ाब्ता अख़लाक़ का काम है। फिर है आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन में जो चैलेंजेस आते हैं। मुल्क की वसअत और राय दहिंदगा की तादाद के पेश नज़र इलेक्शन करवाना बहुत बड़ा काम है। भारत में इलेक्शन करवाना एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, तो इसमें जो है बहुत से चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है आपको पॉइंट्स दिए गए, जैसे कि माली बदउनवानी जो है वो, उसके बाद जो है उम्मीदवारों का मुजरिमाना पस मंज़र होने के बावजूद, यानी काफ़ी लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है बट स्टिल जो है सियासी पार्टियां उन्हें टिकट दे देती है, वो इलेक्शन के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात, झगड़े, दंगे, फसाद, मज़हब के नाम पर, ज़ात के नाम पर जो है अक्सर होता है, दो पार्टियों के बीच में भिड़न हो जाती है, वो सारे जो है हमारे यहाँ पर चैलेंजेस होते हैं इलेक्शन करवाने के लिए। पहले लोकसभा के इलेक्शन के मौके पर वोटर लिस्ट तैयार करना भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो पहला इलेक्शन था, लोगों में अवेयरनेस फैलाना और फिर जो है इलेक्शन करवाना, वोटर लिस्ट बनाना, और उस वक्त मुल्क में इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, इसीलिए जो है उस वक्त अलग तरीका इस्तेमाल किया गया। रायदही के लिए स्टील की तकरीबन 20 लाख पेटियाँ जो है तैयार की गई, और हर पेटी पर जो है पार्टी के इंतखाबी निशानात, यानी कि जो है नंबर, जो भी लोगो होता था उनका वो चिपका दिया जाता था। और क्या करना था कि जो भी शख्स आता था उसको, जिस भी पार्टी को वोट देना होता था, वो उनके डब्बे में जाकर जो है एक कागज़ तय करके डाल देता था। तो इस तरीके से जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग भी जो है वोटिंग कर पाए। तो ये तरीका था हमारा सबसे पहले इलेक्शन का। उसके बाद एक चैलेंज ये भी है कि सियासत पर अपने ख़ानदान का असर कायम रखने वाले रिश्तेदारों को ही उम्मीदवार बनाने, यानी जो ख़ानदानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग हैं तो वो अपने घर वालों को आगे करते हैं, इस तरीके से नए लोगों को मौके नहीं मिल पाते हैं। इंतखाबी इस्तलाहात, यानी कुछ टर्म्स है इंतखाबी जो है चीज़ों को रिलेटेड, सॉरी इस्लाहात कहा गया, यानी कुछ जो है चेंजेस किए गए इंतखाबी इस्लाहात, यानी कुछ चेंजेस किए गए ताकि जो है और ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके। जैसे कि ख्वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए जो है 50% ख्वातीन को, जैसे मैंने आपको आई गेस हिस पॉलिटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में जो है बताया था कि हर सरकारी फील्ड में जो है औरतों को 50% रिजर्वेशन दी गई, तो उसी तरीके से इसमें भी जो है पार्टियां उम्मीदवार का इंतखाब करते वक्त 50% ख्वातीन को उम्मीदवार बनाए और उन्हें मुंतखब कराने की कोशिश करें, ताकि जो है वुमेन भी है इसमें इन्वॉल्व हो सके। सियासी पार्टियां मुजरिमाना पस मंजर के हामिल अफराद को उम्मीदवार ना बनाए, जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं उन्हें जो है अपनी पार्टी का टिकट ना दें। इंतखाबात का पूरा खर्च हुकूमत बर्दाश्त करे, ताकि सियासी पार्टियां माली बदउनवानी की मुर्तकिब ना हो। ऐसा भी होता है कि कुछ पार्टियां काफ़ी अमीर होती है तो वो लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके साथ यहाँ फिर नाइंसाफी जाती, तो जो भी खर्चा है वो पूरा हुकूमत बर्दाश्त करती है इलेक्शन का, इंतखाबी तशहीर का। अवामी नुमाइंदगी के कानून में इस नज़रिए से तरमीम करें और इस बात का ख्याल रखें कि मुजरिमाना पस मंज़र के हामिल उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ना लें। सबसे बड़ा जो इस्लाह है वो यही है कि जो है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो इसमें शामिल ना हो पाए। अब ये भी चीज़ जो है बहुत, इसमें भी आपको MCQs मिल सकते हैं। जैसे कि पहला, ये आज़ाद भारत का पहला इलेक्शन 1951-52 में हुआ था, 1950 में इलेक्शन कमीशन बना था, और उसके बाद 51-52 में पहला इलेक्शन जो है कराया गया था। इसे जो है इंतखाबात में रायदही के लिए बेल्ट बॉक्स, ये जो इस तरीके का ये वाला जो बॉक्स है, ऐसे बॉक्सेस होते थे, यहाँ पर जो है पार्टी का जो भी लोगो है वो लगा दिया जाता था और फिर लोग उसमें एक पर्ची अपनी डालते थे, तो इस तरीके का इस्तेमाल किया गया। फिर 1990 की दहाई में जो है EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, और जिसका इस्तेमाल आज तक हो रहा है। और इसमें क्या होता है, इस तरीके का होता है, आपको जो है जो भी पार्टी को आपको वोट करना है आप उसके आगे का नंबर जो है उसके आगे के बटन को क्लिक करें, और फिर जो है एक यहाँ से आपकी रिसिप्ट निकलती है।
और इसमें एक चीज ये है कि इसमें एक ऑप्शन होता है नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी अगर आपको किसी भी शख्स को जो है नहीं वोट देना है, कोई भी पार्टी आपको पसंद नहीं है, तो आप जो है नन ऑफ द अबव जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक चीज़ ये भी खासियत है कि ये माहौलियात के तहफ़ में मदद हुई। क्यों? क्योंकि जब बैलेट बॉक्स बनाए जाते थे उसमें पेपर डाला जाता था, फिर उतने ज़्यादा पेपर्स को जो है उनका पूरा बनाना, उसके लिए दरख्तों की कटाई होती थी, फिर बाद में जो है उसे फेंका जाए तो उससे आलूदगी भी बढ़ती, तो इस वजह से जो है माहौलियात के तहफ़ में भी ईवीएम मशीन से मदद हुई। लास्ट चीज़ ये जो कि एक तरह का टर्म ही है, जैसे कि आम इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शन जो जो हर 5 साल में भारत में होते हैं उसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। फिर एक होता है वस्त मुद्दती इंतखाबात यानी कि मिड टर्म पोल। ये क्या होता है, कुछ जो है हुकूमतें अलाइन में आती है, यानी कि मुत्तहदा मुहाज की हुकूमत होती है, गठबंधन सरकार होती है, तो अगर जो है 5 साल पूरे होने से पहले वो सरकार टूट जाए तो फिर जो है वो वापस से जो है उस पार्टी को बनाने के लिए, यानी अगर 5 साल से पहले जो है किसी का मुहाज टूट जाए, वो गठबंधन जो है ख़त्म हो जाए, या किसी वजह से जो है पार्टी टूट जाए, तो फिर से जो है उस इलेक्शन को करवाया जाता है और उसे कहते हैं वस्त मुद्दती इंतखाबात। उसके बाद आता है ज़िमनी इंतखाबात, जैसे कि विधानसभा, लोकसभा और जो मकामती हुकूमती इदारे हैं उसमें अगर कोई नुमाइंदा रिज़ाइन कर दे या फिर कोई किसी की डेथ हो जाए तो फिर वो जगह खाली हो जाती है, तो उनको उस जगह को भरने के लिए सिर्फ जो है एक इलेक्शन करवाया जाता है जिसे ज़िमनी इलेक्शन कहते हैं। लास्ट चीज़ इस चैप्टर की, क्या आप जानते हैं 18 अक्टूबर 2010 को इलेक्शन कमीशन के एक एक्सपर्ट्स की टीम ने एक टीम कायम की थी और उसमें जो है कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में राय दहिंदा की जाँच की रसीद, जिसे VVPAT यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको कहा एक तरह की रिसीप मिलती है, तो उससे जो है इस बात की जांच हो जाती है कि हमने जो वोट दिया वो सही तरीके से दर्ज हुआ है। ये भी जो है एक कदम था इंतखाबी अमल में बदनवानी को रोकने का। तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, कि उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।